30 जनवरी है। आज से 75 साल पहले आज ही के दिन यानी 30 जनवरी 1948 को हमारे बापू महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी और उनका कत्ल कर डाला था। जगह थी 30 जनवरी मार्ग स्थित बिरला हाउस नई दिल्ली। समय था शाम के करीब 5:15 बजे का। ये वही जगह थी जहां गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी 144 दिन बिताकर जीवन की अंतिम सांस ली थी। गांधी जी के कत्ल के बाद बिरला हाउस में चीख पुकार कोहराम मची और सब रो रहे थे। सबकी आंखें भी खुली हुई थी, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले ही गांधी जी के पास बैठकर जा चुके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मौके पर पहुंच गए। गांधी जी के कत्ल के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तान जनसमूह दिल्ली की ओर रेला बनाकर चल दिया। विदेशी मेहमान भी राजधानी दिल्ली पहुंचने लगे। तब की दिल्ली की सड़कें आज की चौड़ी और बेहतर नहीं थी, हालांकि तब दिल्ली की आबादी भी आज के जैसी नहीं थी। इसके बाद भी चूंकि गांधी जी के अंतिम संस्कार का गवाह बनने के लिए बेतहाशा भीड़ पहुंच रही थी, इसलिए उस भीड़ में तिल रखने की जगह बिरला हाउस से लेकर राजघाट तक नहीं बची थी। गांधी के मतवाले और उनकी शहादत के हलकानों की हालत ये थी कि वो गांधी जी के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए रास्ते में मौजूद पेड़ों पर चढ़कर बैठ गए। लाखों देशवासी उस भीड़ में नंगे पांव उस कड़ाके की ठंड में चलकर बापू के अंतिम दर्शन को पहुंच रहे थे। महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, लेकिन उनकी हत्या और हत्या के बाद कई ऐसे रहस्य बरकरार हैं जिनके बारे में देशवासियों को अब तक जवाब नहीं मिल सका है। बापू के हत्यारे नाथूराम गौडसे ने अपने बयान में साफ साफ कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या उसी ने की है। गांधी जी की हत्या में उसके अलावा और कोई शामिल नहीं है। गौडसे ने यह भी कहा था कि उसे हत्या की सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा कबूल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शख्सियत और उनके विचारों की देश ही नहीं दुनिया भर में सराहना होती है। उनके जीवन दर्शन ने असंख्य लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन 30 जनवरी 1948 को जब बापू की हत्या की गई, तब से लेकर आज तक उनकी हत्या की कई ऐसी गुत्थियां हैं जो अब तक अनसुलझी हैं।